मंगलवार को सिटी सेंटर स्थित रॉयल बंगाल सभागार में अंबुजा नेवटिया समूह द्वारा तीसरे वार्षिक चार्ल्स कोरिया मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रख्यात आर्किटेक्ट उदय जोशी, समारोह के मुख्य वक्ता बांग्लादेशी आर्किटेक्ट काशिफ चौधरी, अंबुजा नेवटिया समूह के चेयरमैन हर्षवर्धन नेवटिया, मधु नेवटिया के साथ ही कई गण्यमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर हर्षवर्धन नेवटिया ने सन्मार्ग से बातचीत करते हुए चार्ल्स कोरिया मेमोरियल लेक्चर के महत्व को दर्शाया। चार्ल्स कोरिया साहब हमारे देश में बहुत ही अनोखे एक आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने अपना जो छाप है देश में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स किए हैं और आंतर्जातिक स्तर पर बड़ा नाम किया है अपना। हम लोगों को सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का और आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये सिटी सेंटर, ये उन्हीं की देन है। तो ये लगभग 2004 में हम लोग ने इसको कंप्लीट किया और इसलिए चूंकि एक संपर्क रहा है उनका कलकत्ते शहर के साथ और हम लोगों के साथ, हमारे गोष्ठी के साथ, तो हमने ये उनके स्मृति में मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया है और वो तीसरा ये उसका अध्याय है। आज हमारे साथ हैं कासिफ चौधरी साहब बांग्लादेश से, वो बहुत ही प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, आगा खान अवॉर्डी हैं और उनका कोरिया साहब के साथ शायद व्यक्तिगत काम करने का संयोग नहीं हुआ है, लेकिन उनका संपर्क रहा है और चार्ल्स कोरिया के जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी बेटी है जो हमारी दोस्त भी हैं, तो उनसे हम लोग रिकमेंडेशन लेते हैं कि हम किनको बुलाएं और उन्हीं जो उन जो सजेस्ट करते हैं उन्हीं को बुलाते हैं। इसके साथ ही उदय जोशी ने भारतीय आर्किटेक्चर की प्रगति में चार्ल्स कोरिया के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाया। That is the time I decided to work for Charles Korea. Soon I got the opportunity to work in his office on the project for Kala Academy in Goa. While working in his office, I was exposed to the brilliance, his wisdom, his high aesthetic values, sense of scale and proportions. What I learned in his office in few weeks, I didn't learn in 5 years in college. It was a great learning for a freshly graduated architect like me at that time. It was highly inspiring and proved to be the sole motivational force in my professional practice till today. Rarely we can find an architect who can be a design intellectual as well as a great designer like Charles Coria. समारोह के मुख्य वक्ता काशिफ चौधरी ने बांग्लादेश में हो रही वास्तुकला की प्रगति एवं उन्नति को दर्शाया। The first project is almost a non-architectural project. It's a land architecture. It was done from 2005 onwards, and in the middle of the river Jamuna, which is essentially the river Brahmaputra, as it sort of flows from Tibet through India into Bangladesh, and it is in the northern part. Yes, I don't know if you can see this. This is in the northern part of Bangladesh, and the project essentially is to do with flooding, and this is getting worse and worse, as you know, even here every year with climate change.